सबसे पहले मैंने लिया है हल्दी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा दो लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, लाल कश्मीरी मिर्च और अजवाइन। और ये मैंने प्याज को, पांच प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया। ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया हुआ है और 4 हरी मिर्च। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिखा व्लॉग्स में। तो यहाँ केले के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 4-5 आलुओं को बॉईल कर लिया है और केले को, इसमें मैंने प्याज को बारीक काट लिया है, हल्दी भी थोड़ी सी डाल दी है, यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार हल्का सा नमक, और कलर के लिए मैं थोड़ा सा हल्दी और डाल रही हूँ। ये मेरा थोड़ा सा गर्म मसाला है, सीक्रेट मसाला जिसे बोलते हैं हम, और लहसुन प्याज का पेस्ट मैंने इसमें पहले से रखा हुआ था। यहाँ पर ये क्रश की हुई अजवाइन है, क्रश मीन्स उसको मैंने हाथ के रगड़ के क्रश किया हुआ है, और इसको हम अच्छे से अब सारे मसालों के साथ मैश कर लेंगे। और मैश भी इसको ऐसा ही करना है, इसमें थोड़ी सी भी गुठलियाँ ना रह जाएं। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब यहाँ बारी आती है बेसन डालने की, तो बेसन पहले हमें 2 चम्मच डालना है। ये मैंने हाथ से डाला क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। तो उसको मैंने मैश करके उसका डो बना लिया था, और यहाँ पे एक तरफ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें मैंने सरसों का तेल ही डाला हुआ है, वो खाने के लिए हम वही यूज़ करते हैं। और ये एकदम देखिए चिकना बना है, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल लगा लगा के इसको गोलियाँ बनाई हुई थी बॉल्स इसके। तो अब इसमें एक एक बहुत आराम से धीरे धीरे अपने फेस और हैंड को मतलब बचाते हुए हम इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो उस सबको मैंने फ्राई कर लिया, और यहाँ दूसरी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला हुआ है, इसमें मेथी और जीरा का तड़का, उसके बाद मैंने प्याज कटी हुई जो रफली कटी हुई थी वो डाली है, और खड़ी 3-4 हरी मिर्च। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, ये घर पर बनाया हुआ नहीं है, मार्केट से मंगवाया हुआ था मैंने। और इसको अब मैं धीरे धीरे आराम आराम से इसको मैं फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ दूसरी कढ़ाई रख के उसमें तेज़पत्ता, जीरा और मेथी का तड़का दिया हुआ है। अब ये जब तक थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ, जो हमने फ्राई किया हुआ पिसा मसाला रखा हुआ था वो डाल दिया है। अब इसे हम बहुत अच्छे से पकाना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन रहा है, अभी भुना नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है तो, लेकिन देखिए इसमें कलर इसका चेंज हो गया। अब धीरे धीरे जब तक ये अच्छे से पकेगा, लास्ट में इसका कलर बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप ध्यान से देखते रहिए, और जैसे मैंने बनाया है तो सेम मेरे ही जैसे आपके कोफ्ते बन के तैयार होंगे। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ टमाटर डाला हुआ, 2 मैंने खड़े पिसे टमाटर डाले हैं, आप इसको चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब मैंने प्याज फ्राई किया था तो भी मैंने नमक डाला हुआ था, और पकौड़े में भी मैंने कोफ्ते में भी नमक डाले थे, और यहाँ मैं ग्रेवी में भी डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, एक साथ पानी मत डालिएगा इससे, वरना आपकी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेवी एकदम अच्छे से उबल के पक गई है, एकदम अच्छे से थिक भी हो गई है। अब इसमें देखिए धीरे धीरे वो कोफ्ते वाले बॉल्स एक एक करके आराम आराम से डालेंगे, क्योंकि इसके छींटे भी पड़ते हैं। और यहाँ पे एक बात सबसे मेन, जिससे आपके कोफ्ते
फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। ये मैंने गैस यहाँ पे बंद कर दिया। कभी भी उबलते हुए ग्रेवी में कोफ्ते नहीं डालने चाहिए, इससे वो तुरंत फट जाते हैं या फूट जाते हैं। मैंने एक एक करके डाला। आप बाद में थोड़ा सा उसको गैस ऑन करके गर्म कर सकते हैं, लेकिन डालते समय गैस बंद होना चाहिए। ये देखिए हमारे एक अब ग्रेवी धीरे धीरे ना एकदम ठीक होती जाएगी। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता डाल दिया है, इसमें मैंने कसूरी मेथी भी ऊपर से उसको अच्छे से रगड़ के हाथ से फिर डाला। ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी ही अच्छी ज़्यादा बन के तैयार हो गई है। लास्ट में मैंने धनिया को पकाने के लिए 1 मिनट के लिए गैस को ऑन कर दिया था और ग्रेवी भी थोड़ी अच्छे से गर्म हो गई थी उसमें। वो धीरे धीरे इसको 10 मिनट का टाइम दीजिए, पूरी ग्रेवी एकदम अच्छे से ऑब्जर्व हो जाती है बॉल्स में। लास्ट में मैंने ये मलाई डाला। मलाई डालने के बाद तो टेस्ट दोगुना ही हो जाता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें। थैंक यू।